एसपीआर और महिंद्रा मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोतिहारी के आईएसआई के स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो स्लीपर सेल पाकिस्तान के लिए काम करता था और पाकिस्तान से जाली नोट को लाकर भारत में खपाता था। मोतिहारी में गिरफ्तार जाली नोट सरगना सुधीर कुशवाहा आतंकी संगठन का स्लीपर सेल निकला। जाली नोट के सरगना और एनआईए के 2 लाख के इनामी अपराधी सुधीर कुशवाहा की गिरफ्तारी पर कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुधीर के तार नेपाल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, चीन, मलेशिया और दुबई जैसे बड़े शहरों से जुड़े हैं। बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्लीपर सेल के तौर पर भारत में काम करता था। नेपाल से मुजफ्फरपुर जाने के दौरान मुजफ्फरपुर और मोतिहारी पुलिस के सहयोग से गुरुवार को मोतिहारी के रास्ते पर उसे गिरफ्तार किया गया, जहां पूछताछ में उसने इस बात की जानकारी दी कि वो स्लीपर सेल की तरह काम करता था। वह घोड़ासहन सहित नेपाल के तराई क्षेत्रों में अपना जाल फैला रहा था। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि सुधीर के पास से गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने 1,54,000 रुपये के जाली भारतीय नोट और एक अपाची बाइक बरामद की है। आरोपी फिर से अपने नेटवर्क को एक्टिव करने की कोशिश में था। एसएसपी ने बताया कि 2008 में इसे मोतिहारी से जाली नोट केस में गिरफ्तार किया गया था। बाद में केस एनआईए को सौंपा गया था। आरोपी फरार हो गया। आरोपी ने कोयला का काम करता था, लेकिन उसकी आड़ में वो जाली नोट का रैकेट चला रहा था। सुधीर कुशवाहा पर एनआईए ने 2 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। गिरफ्तारी की सूचना पर देश की कई जांच एजेंसी मुजफ्फरपुर में पहुंचकर पूछताछ में जुटी हुई है। एनआईए, रॉ, आईबी, एसएसबी और एसआरबी की टीम उससे लगातार पूछताछ कर रही है। उसने कई अहम खुलासे किए हैं। इसके आधार पर जांच टीम आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि बीते कुछ महीने में मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी सहित अन्य जगहों पर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने नकली इंडियन करेंसी की कई खेपों को बरामद किए थे। सुधीर पहली बार 2005 में दिल्ली के एक आवासीय होटल से गिरफ्तार हुआ था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। साक्ष्य के अभाव में वह छूट गया था। दोबारा दिल्ली में 2014 में एक होटल से 50 लाख रुपए बरामद हुआ था। 2016 में घोड़ासहन रेल ट्रैक पर हुए कुकर बम ब्लास्ट मामले में भी सुधीर का नाम सामने आया था। इन सभी मामलों में वह फरार चल रहा था। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।